हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में और बरेली रेलवे स्टेशन को आज हम कवर करेंगे। बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन को केस की मेन एंट्रेंस है, यहां से हम अंदर चलते हैं और यहां को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये कुछ मार्केट बनी हुई है, होटल रेडियंस यहां पे एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही है, तो आपको डॉर्मेट्री वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको मिल सकते हैं रूम वगैरह। साधनों की बात करें तो आपको ऑटो, बैटरी रिक्शा वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे एंड जस्ट एंट्रेंस के साथ में। चलिए अब इसको एंटर करते हैं और इसकी मेन एंट्रेंस से अंदर चलते हैं। चलिए, ये हम यहाँ से एंटर हुए थे, सामने ही आपको मैंने दिखाया होटल रेडियंस, ये यहाँ पर अवेलेबल है। ऑटो वगैरह की बात करें तो यहाँ से आपको साधन मिल जाएंगे जिनका मिनिमम 20 से लेकर 60 रुपये के करीब फेयर है, तो ये आपको आपके गंतव्य तक पहुँचा देंगे। ये सामने अपना नेशनल फ्लैग है और ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन की। चलिए अब आगे चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये हम यहाँ से एंटर हुए थे, ये मैंने साइड में आपको दिखाया था होटल है, आपको डॉर्मेट्री वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरफ हम ये देखते हैं, ये इसकी स्टेशन की मेन बिल्डिंग है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ बरेली जंक्शन की, लेकिन इसकी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने से पहले हम लोग टिकट घर एक्सप्लोर करेंगे। टिकट घर एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही है। चलिए अब इसको एक्सप्लोर करते हैं और स्टेशन को भी बारे में मिलने वाली सुविधाएं और जो भी चीज़ जहां पर अवेलेबल है वो चीज़ मैं आपको बताता हूं। चलिए अब हम यहां से इसकी मेन एंट्रेंस से हम चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। चलिए, ये हम लोग जस्ट यहां से एंटर हुए थे, ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये होटल है और हम सामने से एंटर हुए थे और एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही राइट हैंड साइड में ही ये अनरिजर्व टिकट और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम वगैरह है, तो ये मैं पहले आपको व्यू करवा देता हूँ। चलिए फिर स्टेशन के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए लेट्स गो। ये हम यहाँ से एंटर हुए थे, एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही ये LED बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ से आपको ट्रेनों का आने और जाने का पता लग जाएगा। रिजर्वेशन काउंटर ये यहाँ पर है अवेलेबल, यहाँ से आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं किसी भी ट्रेन का। ये रहा एक पूरा व्यू है और अनरिजर्व टिकट जो है आपको आगे से मिलेगा, तो मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये यहाँ से अनरिजर्व टिकट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये यहाँ का पूरा व्यू है, LED लगा हुआ है, ट्रेन्स का जो भी फेयर है ये सारा कुछ कहाँ कहाँ से चलती है सारा कुछ यहाँ पे चार्ट वगैरह लगा हुआ है। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं और इसकी मेन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए, ये हम वहाँ से एंटर हुए थे और फिर हम इधर गए थे, तो यहाँ पे टिकटिंग प्रणाली है सारा कुछ, यहाँ पे टिकट वगैरह का काउंटर है, ये सब पार्किंग है। इधर ये ऑटो रिक्शा वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे इधर अपने गंतव्य तक जाने के लिए जस्ट एंट्रेंस के साथ में ही। चलिए अब स्टेशन की बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं और स्टेशन के बारे में कुछ आपको बताते हैं। चलिए, ये पूरा एक व्यू है। अब हम स्टेशन की बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, वो सामने बिल्डिंग है उसको भी व्यू करवाता हूँ पास से जाके। ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग है बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन की। नेशनल फ्लैग हमारा लहरा रहा है, ये मैं व्यू करवा दे रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। आपको पार्किंग भी दिखा दे रहा हूँ, पार्किंग भी सुव्यवस्थित तरीके से है। ये सामने कार पार्किंग है, मतलब आप यहाँ पे अपनी कार लगा सकते हैं, टू व्हीलर वगैरह यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। सामने पब्लिक टॉयलेट है और ये यहाँ से आपको बसेज भी मिल जाएंगी आपको इधर से उधर जाने के लिए, और आपको ये CNG रिक्शा मिल जाएंगे, बैटरी रिक्शा वगैरह यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब हम इस बरेली जंक्शन की मेन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। चलिए, ये मैंने आपको सारा कुछ व्यू करवा दिया, अब हम इसकी मेन बिल्डिंग की तरफ आए हैं। ये कुछ लेन्स बनी हुई हैं रिक्शा पार्किंग वगैरह की, टेम्पो ऑटो लेन बनी है जिससे कि जाम वगैरह की स्थिति यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, साफ़ सफाई का यहाँ ध्यान रखा गया है। सामने इसकी मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग का व्यू है, ये सारा इसका बिल्डिंग का व्यू है। चलिए अब इसको अंदर से भी एक्सप्लोर करते हैं और स्टेशन की एक खासियत और आपको बताता हूँ। ये रेलवे स्टेशन एक है पर इसके नाम दो हो गए हैं, चलिए उसके बारे में बताता हूँ। तो इसकी मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। चलिए, एंट्रेंस के जस्ट मेन सामने ही अशोक स्तंभ भी बना हुआ है और ये इसके बाहर का व्यू है, और ये हम इसकी मेन बिल्डिंग की तरफ एंटर करते हैं। चलिए, ये हम इसकी मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं। अब ये स्टेशन एक है बट इसमें 1 से 4 नंबर तक के प्लेटफॉर्म, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, वो तो आते हैं नॉर्दर्न रेलवे जोन में और जिसकी डिवीज़न है
मुरादाबाद, और 5 और 6 प्लेटफॉर्म जो है उसका स्टेशन कोड है BRY। नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में आता है, इज्जत नगर उसकी डिवीज़न है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आप सामान वगैरह अपना स्कैन करवा के अंदर जा सकते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए अब इसकी मेन एंट्रेंस से एंटर करते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये मैंने अपना बैग डाला था, स्कैन होके आ गया। अब हम इसकी मेन एंट्रेंस से एंटर करते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। यहाँ मेन एंट्रेंस से एंटर हुए थे, अब हम इधर चल रहे हैं। इस तरफ हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हैं। डस्टबिन वगैरह यहाँ रखे हुए हैं, साफ़ सफाई का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। यहाँ पे बांस फेमस है यहाँ का, बरेली का। तो ये देखो बांस से बने हुए आइटम भी यहाँ पर है, तो ये सेल है। फूड आउटलेट्स वगैरह भी अवेलेबल है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस भी इस तरफ ही है। लोको पायलट एवं गाड़ी लॉबी भी यही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। यहाँ पे आपका डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, उसकी मेन एंट्रेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। महिलाओं के लिए वेटिंग हॉल भी है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से डॉर्मेट्री का रास्ता भी है मेरा, और यहाँ पे फुली एसी है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। ये पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ का व्यू है। जहाँ से हम एंटर हुए थे वहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। ये रेलवे सुरक्षा बल का ऑफिस भी बना हुआ है। फूड आउटलेट्स की बात करें तो यहाँ पे फूड आउटलेट्स अवेलेबल हैं। सामने यहाँ पे आपको चिप्स पैटीज कुरकुरे वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और इसके स्टेशन को और एक्सप्लोर करते हैं। ये हम यहाँ से एंटर हुए थे तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड का करवाया, राइट हैंड साइड पर क्या क्या अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुफ्त टिकट निरीक्षक का ऑफिस भी है। चलिए अब आगे चलते हैं। VIP रूम है विशिष्ट अतिथि के लिए। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही है। लिफ्ट और एस्केलेटर फैसिलिटीज अवेलेबल है, चलिए वो भी व्यू करवाता हूँ। फूड आउटलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। ये सामने ही एस्केलेटर वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे हम 2 और 3 की तरफ चलेंगे। चलिए लेट्स गो। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। चलिए, ये पार्सल कार्यालय है और साथ में ये फूड आउटलेट्स वगैरह अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू है। वेब एस्केलेटर से 2 और 3 की तरफ चलेंगे। चलिए, ये एस्केलेटर फैसिलिटीज़ है, मैं एस्केलेटर से ऊपर जा रहा हूँ। अब स्टेशन की कुछ बात कर लें तो यहाँ से जो लाइनें गई हुई हैं, लखनऊ मुरादाबाद लाइन, लखनऊ सीतापुर पीलीभीत, बरेली कासगंज लाइन, बरेली चंदौसी मुरादाबाद लूप लाइन। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, और 4 को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि बरेली जंक्शन के अंडर में आता है, जिसका स्टेशन कोड BE है। नॉर्दर्न रेलवे डिवीज़न है मुख्यालय, और मुरादाबाद डिवीज़न के अंडर आता है। ये हम एस्केलेटर से ऊपर आ गए, ये फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू करते हैं। लिफ्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये पूरा बरेली जंक्शन का एक फुट ओवर ब्रिज से एक पूरा व्यू है, ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। लाइनें मैंने आपको बताई दी। यहाँ पे हॉल्टिंग ट्रेन है 149, ऑरिजिनेट जो ट्रेन होती है 12 और टर्मिनेट भी 12। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ चल रहे हैं। चलिए, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में हैं और स्टेशन में मिलने वाली सुविधाएं तो मैंने आपको बता दी। वाईफाई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एस्केलेटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लिफ्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में भी फूड आउटलेट्स वगैरह अवेलेबल है, MRP पे बेच रहे हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, पंखे चल रहे हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है, ये मैं आपको पूरा व्यू करवा दे रहा हूँ। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू था जो मैं आप वहाँ से आके आया था, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का व्यू है। चलिए अब 2 और 3 से हम 4 की तरफ चलते हैं, जो कि नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में ही आता है, डिवीज़न उसकी है मुरादाबाद। उसके बाद हम 5 और 6 को एक्सप्लोर करेंगे, उस ब्लॉक को एंड करेंगे। चलिए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का व्यू है और ये नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में ही आता है। इसकी डिवीज़न मुरादाबाद है और ये इसका स्टेशन कोड BE है। अब हम
पाँच और छः की तरफ चलेंगे जिसका स्टेशन कोड BRY है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 का व्यू है, वहाँ मैं एक्सीलेटर से आया था और यहाँ पे मैं सीढ़ियों से आया हूँ। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 की तरफ चलते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 के बीच में हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। इसका जोन है इज्जत नगर। ये इसका एक व्यू है, ये मैं आपको पूरा व्यू दे देता हूँ। फूड आउटलेट्स यहाँ पे 5 नंबर पे भी अवेलेबल हैं। साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी जो होती है, ये मैं आपको एक पूरा व्यू करवा दे रहा हूँ। बाकी हम लोग इस डिवीज़न में खड़े हैं, ये नॉर्दर्न रेलवे में आ गया और इसकी डिवीज़न मुरादाबाद हो गई। और जब हम इधर बैक साइड में जाते हैं तो इसकी डिवीज़न इज्जत नगर हो। चलिए अब यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, लखनऊ, दिल्ली, जम्मू, अमृतसर, अम्बाला, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, वाराणसी, अलीगढ़, बदायूं, देहरादून से जुड़ा हुआ कनेक्टेड एरिया है। बट इसके स्टेशन अलग अलग हो जाते हैं, 1 से लेकर 4 प्लेटफॉर्म तक तो एक ही रहता है और 5 और 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन कोड भी बदल जाता है, डिवीज़न भी बदल जाती है और लाइनें भी बदल जाती हैं। ये स्टेशन 1964 में ओपन हुआ था। यहाँ की कुछ फेमस रिलीजियस प्लेस बता देता हूँ। एक आला हज़रत, जो यहाँ से एक ट्रेन चलती है आला हज़रत एक्सप्रेस के नाम से, जो भुज तक जाती है, और यहाँ पर एक रिलीजियस प्लेस है और है नाथ नगरी, जहाँ पे 7 शिव जी के मंदिर हैं। यहाँ की फेमस चीज़ें हैं बांस और सूरमा। इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।